So, interpreting the output of the two way analysis of variance that we got through SPSS. They can before I interpret each table and explain it to you, again remember that our general assumptions humne meet our general assumptions. Assumptions means that we have certain assumptions on run certain assumptions. In other words, ANOVA is a very robust test and it has a

डिस्क्रिप्टिव भी दे और होमोजनाइटी ऑफ वेरियंस भी दे सो so, हमें जो पहला टेबल वो देता है वो लिविनस टेस्ट फॉर होमोजेनाइटी ऑफ वेरियंस का देता है और हमें पता है कि वट वी वॉन्ट हेयर वी वॉन्ट दिस वैल्यू टू बी नॉन सिग्निफिकेंट यानी अगर हमारी नॉन सिग्निफिकेंट आ जाए हमने क्या देखना है हमने ये एस आई जी के कॉलम में वैल्यू देखनी है एंड एस आई जी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन पॉइंट ज़ीरो फाइव अगर वो ग्रेटर है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा और नॉन सिग्निफिकेंट का मतलब है कि वो वेरिएंस इक्वल है ग्रुप्स के अंदर यानी वी विल मीट द एजम्पन ऑफ द होमोजनाइटी ऑफ द वेरिएंस अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल सो लेट्स गो बैक टू द एस आउटपुट फाइल जहाँ पे हमने उसको रन करके छोड़ा है एंड वी विल इंटरप्रेट ईच टेबल देयर लेकिन यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए मैंने सारे टेबल्स लिख के उनकी डिस्क्रिप्शन दे दी है कि व्हाट वी वुड बी लुकिंग इन ईच टेबल सो दिस इज़ फॉर योर रिकॉर्ड एंड फॉर प्रिपरेशन एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग कुछ भी भूले हर चीज़ को एक्सप्लेन मैंने कर दिया इसके अंदर के कौन सी वैल्यू देखनी है और कौन सी वैल्यू रिपोर्ट करनी है लेट्स गो बैक एंड टू द एस पी एस एस फाइल इंड दी कि उसके अंदर हमने हर फाइल को कैसे इंटरप्रेट करना तो ये हमारे पास एस पी एस एस की आउटपुट फाइल थी जब हमने उसको एनालाइज की कमांड दी और रन किया सो so पहला टेबल हमारे पास वो बताता है कि आपके दो लेवल्स हैं ट्रीटमेंट और जेंडर और उन दोनों के दो लेवल्स हैं ये हमें वो डिस बता देता है कि आपके कितने आई हैं और उनके कितने कितने लेवल्स हैं और हर लेवल के अंदर कितने पार्टिसिपेंट्स हैं सो so सेकेंड हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स का टेबल आता है डिस्क्रिप्टिव बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमें यहाँ से भी काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है के रिजल्ट्स किस डायरेक्शन जा रहे हैं याद रखें कि हमारी एस पी एस एस के अंदर डेटा अनलिस में सैम्पल साइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हमारी टेस्ट स्टेटिस्टिक्स के अंदर स्मॉल सैम्पल साइज की वजह से रिजल्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं सो वी शुड डेफिनेटली पे अटेंशन टू द डिस्क्रिप्टिव डिफरेंस कितना आ रहा है सो so हमारे डिप्रेशन स्कोर के ऊपर यूजिंग ट्रीटमेंट ए जेंडर का मीन कितना है मेल सिक्स है और ट्रीटमेंट ए को यूज़ करते हुए फीमेल का डिप्रेशन स्कोर जो है वो टू है सो यू कैन सी के ट्रीटमेंट ए का फायदा ज़्यादा फीमेल्स को हो रहा है जिसमें डिप्रेशन कम है इसी तरह ट्रीटमेंट बी को यूज़ करते हुए अगेन डिप्रेशन स्कोर ऑलमोस्ट वही है लेकिन फीमेल्स का डिप्रेशन फर्दर ज़्यादा हो गया तो ट्रीटमेंट बी इज़ नॉट वर्किंग फॉर फीमेल्स ट्रीटमेंट ए इज़ वर्किंग फॉर फीमेल्स ओनली बट देर इज़ नो डिफ्रेंस फॉर मेल्स ऑन ट्रीटमेंट ए और पी सो ये हमें आइडिया हो जाता है कि किस तरह से हमारे डिस्क्रिप्टिवज आ रहे हैं तो so ये लेवें टेस्ट की वैल्यू और मैंने कहा है कि हमें इस कॉलम में देखना है एंड दिस वैल्यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटर दैन पॉइंट जीरो फाइव इफ़ वी वॉन्ट एजम्पन के हमारी एजम्पन मीट हो और ये हमारी वैल्यू पॉइंट एट नाइन है विच इज़ ग्रेटर दैन पॉइंट जीरो फाइव सो हमारी होमोजेनाइटिव वेरियंट्स की जम्पशन मीट हो रही है सो दिस इज़ द मेन टेबल फॉर टू वे अनलिसिस ऑफ वेरियंट्स जहाँ पर हमारे पास वो हमें दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीटमेंट एंड जेंडर के लिए आपको वो इन इफेक्ट्स भी देता है और साथ में उनके इंटरेक्शन इफेक्ट्स भी देता है जैसे ट्रीटमेंट इन टू जेंडर का मतलब है कि दिस इज़ द इंटरक्शन ऑफ द बोथ वेरिएबल सो वट यू विल सी फॉर ट्रीटमेंट यानी मेन इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिप्रेशन क्या है हमारे सम ऑफ स्क्वायर सिक्सटी फोर थाउजेंड है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वन है जैसा कि हमारे पास टू ट्रीटमेंट्स हैं टू माइनस वन वन हो जाएगा तो मीन स्क्वायर हमारा सिक्सटी फोर थाउजेंड आ जाएगा मीन स्क्वायर हमेशा हम सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं तो वो सिक्सटी फोर थाउजेंड दिया आ गया इसी तरह हमारा जेंडर के लिए भी आपका जो है वो सम ऑफ स्क्वायर जीरो दिया हुआ है वन है उसको डिवाइड करेंगे जीरो आ जाएगा और हमने जब इसका मीन स्क्वायर निकालना है f वैल्यू निकालने के लिए वी विल डिवाइड द मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरर मीन स्क्वायर सो फॉर ट्रीटमेंट द मीन स्क्वायर इज 64000 या 64.000 जबकि हमारा एरर मीन स्क्वायर 8.5 है सो वी विल डिवाइड 64 डिवाइडेड बाय 8.5 तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी व्हिच इज 7.52 पॉइंट फाइव टू सो एफ़ की वैल्यू इज इक्वल टू मीन स्क्वायर फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन डिवाइडेड बाय द मीन स्क्वायर ऑफ एरर यानी इसको एरर को हम विद इन वेरियंस कहते हैं और जो हमारा ट्रीटमेंट के लिए पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मीन स्क्वायर है दैट इज कॉल्ड बिटवीन ग्रुप वेरियंस इसी तरह हम अपने सेकेंड वेरिएबल के लिए निकाल लेंगे जो कि जीरो ही आ रहा है और इंटरैक्शन के लिए हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वन मल्टीप्लाइट बाई वन करके वन करेंगे और उसको हम डिवाइड करके एफ़ की वैल्यू उसी तरह ही निकाल देंगे सिक्सटी फोर डिवाइड बाई एट पॉइंट फाइव विल बी एफ़ वैल्यू फॉर द इंटरेक्शन सो अब आपने जो मेन चीज देखनी है इस टेबल के अंदर वो आपकी ये एस आई जी यानी पी वैल्यू है अगर ये वैल्यू पॉइंट जीरो फाइव से कम है तो इसका मतलब है कि आपका ये सिग्निफिकेंट प्रिडिक्टर है या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है सो फॉर द ट्रीटमेंट द एस आई जी या पी वैल्यू इज पॉइंट जीरो वन एट विच इज लेस दैन पॉइंट जीरो फाइव इट मीन्स के देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द डिप्रेशन स्कोर यानी मेन इफेक्ट फॉर द ट्रीटमेंट आपका सिग्निफिकेंट है डिप्रेशन को कम या ज्यादा करने के लिए इसी तरह आपका जेंडर है तो जेंडर के अंदर आपकी सिग्निफिकेंट वैल्यू वन है जिसका मतलब कि जेंडर का कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आ रहा यानी yani जेंडर का इफेक्ट नहीं है जबकि ट्रीटमेंट और जेंडर को अगर आप देखें तो अमेजिंगली दिस इज सिग्निफिकेंट पॉइंट जीरो वन एट अगेन इट इज़ लेस दैन पॉइंट जीरो फाइव विच मीन्स दैट देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड जेंडर इंटरेक्शन इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि आपके दोनों वेरिएबल्स इकट्ठे कम्बाइन हो के यूनिकली आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को इफ़ेक्ट कर रहे हैं तो इंटरेक्शन का हमें ज़्यादा पता जो है वो हमें प्लॉट्स या चार्ट से लगता है लेकिन अभी हमें यह पता चला है कि हमारे पास मेन इफेक्ट फॉर ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंट हैं हमारे पास मेन इफ़ेक्ट फॉर इंटरेक्शन सिग्निफिकेंट है लेकिन हमारे पास मेन इफेक्ट फॉर द जेंडर जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है उसके बाद ये हमारी एस्टिमेटेड मार्जिनल मीन्स देता है जो हमने उस पर कहा था ट्रीटमेंट के लिए इसकी मीन्स कितनी है और इसी तरह जेंडर के लिए भी और फिर इंटरेक्शन के लिए भी तो अब हम अगले में देखते हैं कि प्लॉट्स को हमने कैसे इंटरप्रेट करना है स्पेशली फाइंडिंग द यूनिक इफेक्ट ऑफ अ combined effect of the two variables.